हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके सेटअप बॉक्स में सैटेलाइट फेंडर का ऑप्शन है तो आप किस प्रकार अपने फोन के जरिए ही अपनी डिश को सेट कर सकते हैं विदाउट एलईडी स्क्रीन के। हम आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे किस प्रकार आपको इससे ऑपरेट करना है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने सेटअप बॉक्स में अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, यानी सबसे पहले अपने फोन का टेथरिंग हॉटस्पॉट ऑन करके सेटअप बॉक्स के नेटवर्क सेटिंग में जाकर अपना वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ किस प्रकार ऑपरेट करना है। यहाँ अपना वाईफाई जो शो हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये कनेक्ट हो जाएगा। विदाउट इंटरनेट के ये काम नहीं करेगा, आपके बॉक्स में इंटरनेट होना चाहिए। कनेक्टिविटी के बाद अपने सैटेलाइट फाइंडर ऑप्शन में जाइए, यहाँ आपकी अपडेट हो जाएगी एप्लीकेशन का लोगो, यानी यहाँ पर डाउनलोड ऐप और फाइंड सैटेलाइट का दो ऑप्शन आएंगे। पहले अपने स्मार्टफोन में आपको डाउनलोड करनी है एक एप्लीकेशन डीवीबी फाइंडर, इस प्रकार का लोगो आएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगी, या यहाँ से आप स्कैन करेंगे तो इस लोगो से आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। फिर दूसरा काम है इस लोगो का, यानी ये बार कोड है, इस बार कोड को स्कैन करने से आपकी एप्लीकेशन में वर्क होने लगेगा और फिर आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। किस प्रकार ऑपरेट करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का आपको लोगो नजर आएगा डीवीबी फाइंडर, इस पर हम ओके करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन खुल जाएगी। इस प्रकार का आपको इंटरफेस नजर आएगा, यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा कि हमारा किस प्रकार ब्लूटूथ से वाईफाई से कनेक्टिविटी करनी है। यहाँ ऑप्शन है, सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने सेटअप बॉक्स से अपना ये एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है। अभी यहाँ बी के ब्लूटूथ के पास में ही एक साइन नजर आएगा, इस पर टच कर दीजिए। इस पर टच करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस होगा, यानी ये बार कोड को सिलेक्ट करने के लिए है। यहाँ हम अपना इस बार कोड को स्कैन कर देंगे, जैसे ही स्कैन कर देंगे ये हमारा सेटअप बॉक्स से कनेक्ट हो चुका है, हमारा सेटअप बॉक्स हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एलईडी स्क्रीन के। इस प्रकार यहाँ नीचे इसकी कम्प्लीटली डिटेल है, यानी एंटीना सेटिंग, सैटेलाइट, ट्रांसपोंडर, आप कोई भी ट्रांसपोंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट ट्रैक कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सिंपली डीडी फ्री डिश सेट करके दिखाता हूँ, एंटीना पर चलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए और डिसकनेक्ट अगर आपका हो गया बॉक्स तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका बॉक्स इंटरनेट से कनेक्ट है तब तक आपका ये काम करेगा। कनेक्टिविटी होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर एंटीना सेटिंग कर लेनी है। तो कैसे करेंगे एंटीना सेटिंग, सबसे पहले 5150 के इधर आप क्लिक कीजिए और आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। डीडी फ्री डिश में मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 5710600 आपके ऑप्शन आ जाएगा। LNB और 22K और पोर्ट, आपको जो भी चीज़ करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो जब जब ये कंप्लीट कर लें तो यहाँ राइट मार्क पर ओके कर देंगे। उसके बाद अपना सैटेलाइट सिलेक्ट कर लेना है, 93 GSAT 15 हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद अपनी टीपी, अगर आपको टीपी ऐड करनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर एक सैटेलाइट जैसा निशान मिलेगा, इस पर टच कर दीजिए तो आपके सामने सभी के सभी सैटेलाइट आ जाएंगे। कोई भी सिलेक्ट करना है, जोन सा भी आपको ट्रैक करना है उसमें टीपी ऐड करनी है, जैसे ये है, इस पर टच कर दीजिए और यहाँ प्लस का निशान मिलेगा, प्लस पर दबाने के बाद आप अपने इसमें टीपी ऐड कर सकते हैं। टीपी ऐड कर लेने के बाद आप उस पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। चलिए अब बैक करके हम आपको डीडी फ्री डिश पर लेकर चलते हैं, यहाँ अपनी टीपी को ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर लेंगे हम 11550 हॉरिजॉन्टल 29500, जैसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके यहाँ सिग्नल नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये मेरा पहले ही सेट हो चुका है तो इसमें आपको सिग्नल नज़र आ रहे हैं, इधर स्ट्रेंथ है, इधर क्वालिटी है। जब ये पीली वाली नज़र आए आपको तो समझ लीजिए आपका सैटेलाइट सेट हो चुका है। चलिए एक बार एंटीना की तरफ चलते हैं तब आपको अच्छे से नज़र आएगा। अब हम आ गए हैं अपने एंटीना की तरफ। सबसे पहले अपना LNB स्क्यू सेट कर लीजिए, उसके बाद अपना एंटीना लेफ़्ट राइट अप डाउन थोड़ा थोड़ा करके देखिए कहाँ पर आपके सिग्नल आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए
अभी येलो कलर की आपको क्वालिटी नज़र आई थी, तो जहाँ पर आपकी ये नज़र आए तो इसका मतलब आपका डी डी फी डी सेट हो चुका है। अब मैक्सिमम सिग्नल जहाँ पर आए उसको सेट कर लीजिए। 77-88% सिग्नल यहाँ हो चुके हैं, तो इस प्रकार आप डी डी फी डी को सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सी बैंड के सैटेलाइट की। ये थी केवी बैंड सैटेलाइट सेट करने के लिए। अब सी बैंड का सैटेलाइट कैसे ट्रैक करें वो भी देख लीजिए। सबसे पहले अपना एप्लीकेशन में आपको जाना है। अब एप्लीकेशन में आपको नीचे वही एंटीना 5150 यहाँ कर लेना है। LMD फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 5150 रखनी है सी बैंड में। 22 के ऑफ रखिए। अब नीचे सैटेलाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। 105 सिलेक्ट करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पर आपको। 105 सिलेक्ट कर लेते हैं SSH 7। अब उसके लिए जो TP रहेगी वो भी हम रख लेते हैं 40-40 हॉरिजॉन्टल 26-500। चलिए अब डिस्क की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार ट्रैक करना है। अब ये हमारा एंटीना है LNB SKU, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग रखिए। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ। अब सी बैंड में भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा। अपना क्वालिटी को देखिए कहाँ पर आप इंक्रीज़ होती है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपना सेटअप बॉक्स में वाईफाई ज़रूर कनेक्ट रखिए, वरना ये डिसकनेक्ट हो जाएगी। अपने रिमोट से कुछ भी इसमें ऑपरेट नहीं करना जब तक आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। जो लोगो है, बार कोड है, उसको अपना वैसा का वैसा रखिए, वरना इसको एग्ज़िट होने में टाइम नहीं लगेगा। सेम प्रोसेस डीडी फ्रीडिस की तरह इसमें होगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारे सिग्नल 66% आ चुके हैं। अब थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए, जहाँ मैक्सिमम सिग्नल आ जाए वहाँ इसको सेट कर लीजिए। यहाँ पर 71% सिग्नल, 77, तो इस प्रकार इंक्रीज़ कर सकते हैं आप अपने सिग्नल को। 81% सिग्नल हो चुके हैं, 83, तो ये सी बैंड सैटेलाइट आपका सेट हो चुका है। इस प्रकार आप अपने सैटेलाइट की सेटिंग कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।